बैक टू आवर चैनल इबादत व्लॉग्स। टाइम हो गया है 3:15। रोज़ा बंद हो जाएगा 4:15 पे, 4:27 पे सॉरी। सो वी हैव अबाउट 1 आवर। हमने सही तैयारी करनी है, नाश्ता करना है एंड देन लेट्स सी। अब लोग जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पहली सहरी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ब्लेसिंग मंथ स्टार्ट हो चुका है और आज पहली सहरी और वहाँ मेरी बेगम तैयार कर रही है। हाय बेगम। पता है एक्चुअली क्या, आगे पीछे हम लोग ना 4-5 बजे सोते थे और आज पता था ना सहरी है और ज़रा थोड़ा सा लेट सोना है, तो इस वजह से सबको नींद आ रही है। तो ये मैडम ज़रा थोड़ा सा आधा घंटा सो के आ भी गई हैं और इनकी इतनी नेग्लिजेंसी की वजह से आज हमारी बेटी बेड से सोए हुए नीचे गिरी है। क्या बना रही है वैसे खाने में? पराठे बना रही हो? पराठों के साथ क्या है वो तो हमें नज़र आ रहा है, काले चने का शोरबा। ओके तो यहाँ पे मैं पराठे बनाने लगी थी, तो आई थॉट मैं आपको बता दूँ कि मैं पराठे कैसे बनाती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पेड़ा लिया थोड़ी सी बड़ी साइज़ की रोटी का, उसको मैं रोटी को बना लिया और रोटी बनाने के बाद मैं उसके ऊपर लगाऊँगी थोड़ा सा घी। और मैं घी हाथ से लगाती हूँ बिकॉज़ आई फील लाइक वो बेस्ट ऐसे ही स्प्रेड होता है। मुझसे पर्सनली हाथ वॉश एंड ओवर है, गंदे हाथ से नहीं बना रही। उसके बाद मैं उसको सारी तरफ रोटी डाल के, अच्छा मैं खुश आटा नहीं लगाती उसके ऊपर बिकॉज़ आई डोंट नो, मुझे अपने हाथ वो ड्राई वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसको सारे पे घी लगा के मिडल में हाफ स्लिट करके उसके पहले 2 क्वार्टर्स को फोल्ड करती हूँ, फिर बाकी को मैं रोल सॉसेज की तरह रोल करना शुरू कर देती हूँ और फिर मैं सारे पराठे को उसी के ऊपर इसको फ्लावर सा बना के फिर दबा देती हूँ। ऐसे हमारा पराठे का पेड़ा रेडी हो जाता है। पराठे करने के पेड़े बनाने के बाद आई लेट देम सेट फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। उतनी देर के अंदर फिर मैं पहले पेड़े से शुरू करती हूँ पराठा बनाना। पराठा बनाने के लिए अगेन सिंपल पराठा बेला और तवा गर्म हुआ और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी और स्लोली हमारे पराठे रेडी हो जाएंगे। उससे पहले दूसरे चूल्हे के ऊपर फिर कच्ची वहाँ पे चने गर्म हो रहे हैं, काले चने तलहा को पसंद है। पराठे सारे हो गए थे रेडी, तो आई थॉट मैं अपने लिए ऑमलेट बना लूँ बिकॉज़ मैं सालन इतने शौक़ से नहीं खाती, सुबह के टाइम बहुत हैवी हो जाता है। ऑमलेट के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। साथ में डाली मैंने ग्रीन चिलीज़ और धनिया बारीक बारीक काट के। एंड अगेन मेरा काम फिर से ख़राब हो गया 2 दफ़ा। एक बार सारे अंडे के छिलके मेरे बोल के अंदर, दूसरी दफ़ा मेरे अंडे के छिलके थोड़े से टूट के मेरे बोल के अंदर। खैर उसको मैंने सारा विस्क कर लिया अच्छे से। उसमें मैं डालूँगी अब नमक, लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर और आई थिंक मैं काली मिर्च भी डालती हूँ एंड हल्दी भी। वो सब डाल के उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छे से विस्क कर लूँगी और फिर मैं आपको अच्छे से उसको विस्क करने के बाद मैं डाल दूँगी उसको अपने तवे के ऊपर। अभी हम थोड़ा सा लेट हो रहे थे बिकॉज़ हमें आइडिया नहीं था, अभी फर्स्ट सहरी थी ना, तो थोड़ा सा हमें आइडिया नहीं हो पा रहा था कि टाइम की क्या है क्या नहीं, कितने बजे शुरू करना चाहिए कितने बजे नहीं। करते कराते हमारे अंडे विस्क हो गए थे। पीछे आंटी पराठे बना रही हैं, आंटी अपना पराठा सेक रही हैं। वो ऑयल बहुत कम पसंद करती हैं, वो रोटी टाइप ही खाती हैं वरना सुबह बहुत हैवी हो जाता है। ये मेरा अंडा डाल दिया पराठे के ऊपर, तवे के ऊपर, आई एम सॉरी, तवे पे डाल दिया अंडा। एंड अगेन जब कोई बंदा देख रहा होता है तो काम लाजमी ख़राब होता है, राइट। मेरा कभी भी अंडा टूटता नहीं है, लाइक मेजॉरिटी में मेरा अंडा कभी टूटता नहीं है फ्लिप करते टाइम। एंड यू गाइस आर गोना वॉच मेरा अंडा कितना हॉरेबली टूट जाता है सारा, उसको 5-6-8 टुकड़े हो जाते हैं। एंड आई फेल्ट सो बैड, आई वाज लाइक मेरा कभी अंडा ख़राब नहीं होता, मेरा अंडा आज क्यों ख़राब हो गया। तो कोई बात नहीं, दूसरा अंडा भी बनाना था, वो मेरा अंडा बड़ा नाइसली बनेगा, वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, आप देखोगे। वो बड़ा नाइसली बन गया था और आई वॉज़ रियली हैप्पी। खैर रमज़ान आ चुका है, सुबह सुबह उठ के सहरी करने का मज़ा अपना होता है, लेकिन अगेन आई डोंट थिंक कोई सोता होगा। सहरी उठने का तो कोई बात नहीं बनती, सारे जागते ही रहते हैं। हम एटलीस्ट हमारे घर पे मैं तलहा जनिश को मैं सुला देती हूँ कभी कभी, लेकिन लास्ट जो छोटी थी वो सोती रहती थी। अब वो सुला दिया था उसको, लेकिन फिर मैंने दोबारा उठा दिया कि वो सुबह लेट तक सोती रहे हमारे साथ बिकॉज़ रमज़ान है, सुबह के सबको डिस्टर्ब करेगी, कुछ करने के लिए तो होता नहीं अब दिन में। इसलिए हमारा अंडा दूसरा भी रेडी हो गया है और इसको मैं फ्लिप करूँगी एंड हम नाश्ता करेंगे। आई फॉरगॉट टू शो यू गाइज़ मैं क्या खा रही हूँ। मैंने खाया था अंडा रोटी एंड अचार। और अगेन इतनी बिजी हो गई तो टाइम कम था, तो आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ ईटिंग एंड स्टफ, बट यस। जी हाँ जी गाइज़, मैं आधी सैरी कर चुका हूँ और इस टाइम पे ये देखें, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ सैरी कर रही है। इस साइड पे हमज़ा बैठा हुआ है, हमज़ा भी सैरी कर रहा है और वो पापा अपनी बैठ के सैरी कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी लेडीज़ हजरात मैडम ये दोनों सैरी तैयार कर रही हैं अपने लिए। ये जो हमारी नन्ही सी छोटी सी जो सी है, आप रोज़ा रखोगी आज जर्निश? रोज़ा रखना आपने कि नहीं? ये हमारे साथ उठी है जनाब रोज़ा रखने के लिए। तो देखते हैं कैसा रोज़ा आज का गुजरता है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा ही गुजरेगा। अल्लाह ताला ये बरकत वाला महीना सब के लिए रहमतें नाजिल करे। हमारी सैरी हो गई है, हमारी नमाज हो गई है। नमाज़ पढ़ने के बाद सारे जो मर्द हजरात हैं घर के, वो नमाज़ पढ़ने के लिए गए मस्जिद। हम नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए। अब मैं इसको सुलाऊंगी एंड देन आई विल मीट यू गाइस इन द मॉर्निंग। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन, पहला रोज़ा मुबारक। अभी टाइम हो रहा है 2:30। अभी हमें उठे को अबाउट हाफ एन आवर से थोड़ा ज़्यादा हो गया। नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो गए। अब जर्निश को ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। I'll tell you guys what she's having सुबह के पराठा with some Nutella। वो ये शौक से खा लेगी। I'll just fill her water cup up और फिर हम उसको नाश्ता देंगे ताकि वो एक दफ़ा गंदी हो जाए, ताकि फिर हम उसको साफ़ कर सकें। एंड देन वी विल सी हम क्या कर रहे हैं। फ़िलहाल तो सारे अभी सियासत देख रहे हैं, व्हिच आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। पे टाइम हो चुके थे 5:40 समथिंग, 5:40 हो गए थे और हम पकौड़ों की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। हमें आई डिडंट रियलाइज़ कि टाइम इतना लग जाएगा, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था। और काम करने के चक्कर में आई टोटली फॉरगॉट कि मेरा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही थी। मैंने दही भल्ले वगैरह जब रेडी किए, सलाद वगैरह काट रहे थे तो चाट वगैरह बनाई एंड उस टाइम पे कैमरा सब कुछ सेटअप किया, लेकिन मैंने अभी एडिटिंग के टाइम पे आई फाउंड आउट कि रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। एंड आई फेल्ट सो बैड कि इतनी सारी मेहनत भी की एंड देन कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कुछ नहीं दिखा नहीं पाएंगे आपको। खैर यहाँ पे प्याज आलू और मिर्चें वगैरह मैं पकौड़ों के लिए काट रही थी कि पकौड़े तो बना लें हम, जो है वो तो मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ पकौड़ों के लिए सामान कट रहा था। शरबत वगैरह हम आंटी पहले बना चुकी थी, साइड पे आंटी चाट बना रही थी, फ्रूट चाट। बाकी यही सब बनाया आज के लिए। बाकी हमने जाना था सामान लेने के लिए, वो हम नहीं जा पाए बिकॉज़ हम सारे बिज़ी हो गए थे। इन दिनों में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे मुझसे शॉप नहीं हो पाता इतने रश में। आई एम सो क्लॉस्ट्रोफोबिक एंड आई गेट एंक्शियस, तो मैं नहीं ग्रॉसरी करती उस टाइम पे। फिर मैंने कहा पकौड़े तो दिखा दें आपको। पकौड़े बन रहे थे। पकौड़ों के अंदर मैंने डाला लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और मैं ज़ीरा डालना भूल गई, धनिया डालना भूल गई। खर्च टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और एंड पे बस पकौड़े डाले एंड देन रोज़े खुलने की आवाज़ आ गई। ऑलमोस्ट इस तरह से हुआ था। तो बेकिंग सोडा पाउडर डाल के, बेसन डाल के पकौड़ों को हमने फ्राई कर लिया था। वो भी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाई बिकॉज़ टाइम कम हो गया था। और ये है हमारी एंड टेबल। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं दही भल्ले वगैरह, चाट भी पड़ी है, दही भल्ले थोड़ा सा फ्रेश फ्रूट भी काटा था, खजूरें थी। तो ये सैलेड देख रहे हैं आप, वो है दही भल्लों के साथ। रूह अफ़ज़ा था, जाम मशीनी जिसको कहते हैं वो, और साथ में था लेमनेड। ये सब बना के हमने रोज़ा खोला। नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको मज़ा आया हो। और यस, दैट वाज टुडेज़ व्लॉग। बाय बाय।